बस कैसे हैं आप, उम्मीद आप ठीक होंगे, खरीद होंगे, फिट फाट होंगे। तो हाजिर हूँ दोबारा एक नई वीडियो के साथ। तो पाकिस्तान टीम का जो है वो आज से कैंप शुरू हो गया है, चार रोज़ा कैंप। जी हाँ, श्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहले जो है वो पाकिस्तान टीम का जो है चार रोज़ा कैंप लग चुका है कराची में। और उसमें जो पाकिस्तान का तमाम 15 रुकनी टेस्ट स्क्वाड है वो जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है, चार रोज़ा प्रैक्टिस। जी हाँ, टेस्ट जो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज आने वाली है उससे पहले। और बाबा आजम और रिजवान और बाकी जो क्रिकेटर हैं वो भी मतलब कि पाकिस्तान पहुंच चुके हैं हज का जो फरीजा है अदा करने के बाद। और एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें जो है बाबा आजम ने आते साथ ही मतलब कि पहले जो है वो अपने जो उनका नया बैट का कलेक्शन आया था वो जो है उन्होंने देखा। और दो महीने के बाद सुनने में आ रहा है कि उन्होंने जो है वो बैट को पकड़ा है। तो वो बाबा आजम जो है वो कह रहे थे कि मैं काफ़ी मुश्किल से जो है मैंने दो महीने गुजारे बैट को पकड़े बगैर। और अब जो है वो पाकिस्तान, उन्होंने आज मतलब कि एक ट्वीट भी किया कि बैक टू ग्रुप। और पाकिस्तान टीम जो है उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस उन्होंने शुरू कर दी है और श्रीलंका के जो सीरीज़ है उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और ये चार रोज़ा मतलब कि कैंप होगा और 8 तारीख को जो है वो पाकिस्तान ट्रैवल कर जाएगी मतलब कि श्रीलंका के लिए। और फिर वहाँ पर जो है वो दो के तीन रोज़ा जो है वो मतलब कि एक तैयारी वाला जो है वो प्रिपरेशन जो है वो उसका मैच होगा। और उसके बाद जो है वो 16 जुलाई से जो है मैचेस शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान। पहला टेस्ट जो है वो शुरू हो जाएगा जो कि 16 से 20 तक होगा। और इसके बाद दूसरा जो टेस्ट होगा वो 24 से 28 जुलाई तक खेले जाने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं बाबर आजम की। तो बाबर आजम जो है वो लंका प्रीमियर लीग में इस दफ़ा जो है वो खेलने वाले हैं। और वो कुछ ही मैचेस जो हैं वो लंका प्रीमियर लीग के खेलेंगे, क्योंकि पहले जो है वो पाकिस्तान की सीरीज़ होने वाली है श्रीलंका के खिलाफ, और उसके बाद जो है पाकिस्तान की सीरीज़ है अफगानिस्तान के खिलाफ। तो इस वजह से जो है वो कुछ मैचेस जो हैं वो खेलेंगे। और उनमें जो है वो बाबर आजम ने जो 1x बैट किया, इस तरह की अब जो बैटिंग कंपनियाँ होती हैं उनका जो लोगो है वो पहनने से इनकार किया है। और जो उनकी टीम है उन्होंने भी जो है वो उस चीज़ को मान लिया है। बाबर आजम जो है वो अभी भी हज का करके आए हैं और उन्होंने जो है वो बैटिंग कंपनियाँ होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, जो उनका लोगो है वो पहनने से इनकार किया है। जैसे कि आपने देखा होगा मुल्तान सुल्तान की टीम में मोहम्मद रिजवान ने जो है वो जो लोगो था उस पर जो है वो टेप लगा कर खेले थे। तो बाबर आजम जो है वो इस चीज़ के मतलब के ख़िलाफ़ हैं, या ज़ाहिर है बैटिंग करना इस्लाम में जो है वो हराम है। तो बाबर आजम जो है वो बैटिंग कंपनी का जो लोगो है वो नहीं पहनने वाले T20 जो लीग है श्रीलंका की उसमें। बात करते हैं पाकिस्तान के जो बॉलिंग कोच है मॉर्निंग मोरकर, उनको जो है वो पाकिस्तानी वीज़ा जो है वो नहीं मिल सका अभी तक। और उन्हें जो है वो पाकिस्तान का जो चार रोज़ा कैंप होने वाला है अभी जो शुरू हुआ है आज से, उसमें जो है उन्होंने शिरकत करनी थी, लेकिन वो जो है वो वीज़ा ना मिलने की वजह से जो है वो वहाँ पर नहीं पहुँच सके। और उसकी जो मेन वजह बताई जा रही है कि पाकिस्तान की एम्बेसी जो है उसमें छुट्टियाँ हैं आजकल, इस वजह से जो है उनका वीज़ा जो है वो नहीं मिल सका। और मॉर्निंग मोरकर जो है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में कयाम पजीर हैं, और सुनने में आ रहा है कि 2-3 दिन तक जो है उनको पाकिस्तानी वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान की टीम के साथ जो है वो श्रीलंका, जब पाकिस्तान टीम 8 अगस्त को जो है वो 8 जुलाई को जो है वो ट्रैवल करने वाली है, तो उनके साथ जो है वो श्रीलंका जो है वो ट्रैवल करेंगे और पाकिस्तान टीम को भी जल्द अज़ जल्द जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। विलियम्स हम वो जो है वो IPL के दौरान इंजर्ड हो गए थे और उनके चांसेस थे, काफ़ी ज़्यादा खबरें सुनने में आ रही थी कि वो जो है वो शायद वर्ल्ड कप से जो है वो बाहर हो चुके हैं। लेकिन अभी पिछले दिनों भी उन्होंने वीडियो लगाई थी कि वो जो है वो खुद को जो है वो फिट महसूस कर रहे हैं और इंजरी जो है वो उनकी तकरीबन किसी हद तक जो है वो ठीक हो चुकी है। और आज जो है उन्होंने एक छोटी सी वीडियो लगाई जिसमें वो अपने बच्चे के साथ क्रिकेट खेलती हुई नज़र आए। तो वो जो है वो मतलब कि एक तरह से जो है वो उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। और हो सकता है कि वो न्यूजीलैंड, हो सकता है क्या है कन्फर्म है कि वो शायद न्यूजीलैंड का जो वर्ल्ड कप स्क्वाड है उसमें एज ए कैप्टन जो है वो रिटर्न करने वाले हैं। तो ये न्यूजीलैंड के लिए काफ़ी जो है वो खुशी की खबर होने वाली है कि काफ़ी बड़े प्लेयर हैं केन विलियम्स हम, और उनकी जो है वो कमी न्यूजीलैंड महसूस करने वाला था अगर वो न्यूजीलैंड को मतलब कि वर्ल्ड कप में जो है वो मिस करते। तो ये न्यूजीलैंड की अच्छी खबर है कि वो जो है वो अब वर्ल्ड कप के लिए जो है वो न्यूजीलैंड के लिए दस्तयाब होंगे। तो ये छोटी सी अपडेट थी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।